हेलो गैस, कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिवाली की सफाई नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर जो है उसी से झाड़ू कर रही हूँ। मतलब वैक्यूम क्लीनर कैसे, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि वैक्यूम क्लीनर के मतलब डेमो टाइप से उसको बताऊँ कि कौन कौन सा सामान का क्या क्या यूज़ है जो कि मेरे पास है। तो मेरा वैक्यूम क्लीनर में आज मैं मतलब आपको झाड़ू कैसे लगाना है, टाइल्स को कैसे साफ़ करना है वो बता रही हूँ। टाइल्स को आप साफ़ करने के बाद मतलब झाड़ू जब लगाते हैं तो बारीक बारीक कण छूट जाता है, लेकिन अगर हम वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे से मतलब साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जब आप पोछा लगाते हैं तो घर एकदम चकाचक हो जाता है। तो वही मैं भी करने जा रही हूँ, और इसीलिए वीडियो बनाना है बोल के मैं सवेरे नहीं की थी और अभी बना रही हूँ सभी मेरा खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। तो ये है वैक्यूम क्लीनर। ये देखिए, ये है वैक्यूम क्लीनर और यहाँ पर ऐसे पाइप दिया गया है। इसमें अगर आपको बड़ा करना है तो आप ये और फंसा सकते हैं पाइप इसमें, क्योंकि खड़े। इसमें ये वाला जो अटैचमेंट है यहाँ पर लिखा होता है फ्लोर ब्रश, तो ये फ्लोर अगर आपको साफ करना है तब ये वाला हम इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे फिट कर दीजिए। और मैंने अभी घर को झाड़ू नहीं किया है क्योंकि इसी से ही मेरे को साफ करना है। और ये देखिए, ये हो गया। अब इसी से हमें ऐसे 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 करते जाना है मशीन को चालू करके। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं भी मशीन को चालू करने की। यहाँ पर जो बटन है चालू कर दीजिए और वायर को यहाँ पर लगा दीजिए, और यहाँ पर लगाना
तो देखा ना फ्रेंड कितना इजी तरीके से हो जाता है, मतलब एकदम क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी एक बारीक कण नहीं बचता है। और उसके बाद मैं पोछा लगा ली हूँ तो एकदम मेरा घर साफ हो गया है। मतलब अगर ऐसे आप लगाते हैं तो, वैसे मेरा डबल मंजिल है घर, तो एक दिन मैं नीचे लगा लेती हूँ, एक दिन ऊपर कर लेती हूँ। दो तीन दिन अगर आप साफ सफाई भी नहीं करेंगे तो भी साफ रहता है, क्योंकि इसमें एकदम जो बारीक बारीक जो कण है वो उस वैक्यूम क्लीनर से खींचा जाता है इसलिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साफ होने के बाद। तो ये देखिए कितना क्लीन लग रहा है, ये देखिए फ्लोर चमक रहा है। तो बस यही फायदा होता है वैक्यूम क्लीनर रहने से। अगर आपके घर में काम वाली नहीं है और आप को काम करना थोड़ा झंझट लगता है, तो इसमें आप खड़े खड़े मतलब झाड़ू लगाए जैसे वैक्यूम क्लीनर से कर सकते हैं, और उसके बाद फिर पोछा लगा सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है इस टाइप से काम करना। तो मेरा सफाई हो गया है, अब अगले वीडियो में मैं आपको जाला वगैरह कैसे साफ करना है वो बताऊंगी। तो वैक्यूम क्लीनर में मतलब अलग अलग प्रकार का वैक्यूम क्लीनर आता है, पर मेरे पास जो है वो मतलब घर का बहुत सारा ए टू जेड जो साफ सफाई होता है वो करने वाला है। सो बहुत सारा अटैचमेंट दिया गया है जिससे कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग को फंसा के साफ कर सकते हैं। जैसे आज मैं फ्लोर वाला से फ्लोर मतलब टाइल्स को साफ की हूँ, और इसमें मैट या जो कंबल वगैरह होता है, कारपेट होता है, उसका भी एक अलग दिया गया है। तो जैसे मैं नीचे में दोनों तरफ जो कारपेट बिछाती हूँ उसको अगर हम नहीं धोते हैं, उसे जो बारीक बारीक जो कण आ जाता है अगर हम उसको चलाएंगे तो वो बारीक कण उसमें खिंचा जाता है। इसमें कंबल वगैरह रजाई वगैरह को भी आप ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो वो सब मैं धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड, क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो आज का वीडियो कैसे लगा, आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।